पहाड़ियों से घिरी वादियाँ, जिधर देखो बस उधर हरियाली ही हरियाली। उसके बीच में सड़क से गुजरते आप, झरनों की गूंज, चट्टानों की शांति, लहराती हुई वनस्पतियाँ और वन्य जीवों के बीच जो आत्मिक आराम आप महसूस करेंगे, जरा सोचिए ये सब कुछ कितना मनमोहक होगा। अक्सर आप लोग प्रकृति के इस सौंदर्य को निहारने के लिए लेह लद्दाख के सफ़र पर निकलते हैं, लेकिन मैं कहूँ कि ये खूबसूरती आप बिहार में आकर महसूस कर सकते हैं, तो आपका रिएक्शन क्या होगा? बिहार को गरीब, गवार और खुद को बिहारी कहने पर शर्मिंदा महसूस करने वाले लोगों को आज मैं लेकर चलूंगी कैमूर हिल्स के सफर पर, जिसे अगर बिहार का स्वर्ग कहें तो गलत नहीं होगा। ऐसी ही है कैमूर हिल्स की वादियाँ। कैमूर की पहाड़ियाँ लगभग 483 किलोमीटर लंबी विंध्य पहाड़ियों का पूर्वी भाग है, जो मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में कटंगी से बिहार के सासाराम जिले के आसपास तक फैला हुआ है। यह पहाड़ियाँ जो भारतीय उपमहाद्वीप में अरावली के साथ सबसे पुरानी चट्टान संरचनाओं में से एक है, जो कि मुख्य रूप से पुरानी आग्नेय चट्टानों से मिलकर बनी है। इसके शानदार रूप और सुंदर आकार आप देख सकते हैं। यहाँ पर बहने वाली नदियाँ दुर्गम और ऊंचे घाटियों से होकर गुजरती हैं, जो कि कई अनोखे और विहंगम दृश्य वाले झरने का निर्माण करती है। पूरब में रुद्र नदी का किनारा और पश्चिम से आती कर्मनासा और दुर्गावती की धारा, मानसून के समय में तेलहरकुंड जैसे झरनों की अलौकिक खूबसूरती और दुर्गम घाटियों के विहंगम दृश्य यहाँ के वातावरण को सुकून और रोमांच से भर देता है। मध्ययुगीन इतिहास के दौरान खोजे गए शिलालेख, शैलचित्र और उपलब्ध दस्तावेज इसके गौरव और महिमा की पुष्टि करते हैं, जो कि आज तक कैमूर की पहाड़ियों को लोगों के बीच मशहूर बनाती है। इन पहाड़ियों पर पाए जाने वाले पौराणिक अवशेष, संरक्षित किले, हिंदू देवी देवताओं के पौराणिक और रहस्यमय मंदिर, जिनमें से एक है अति प्राचीन माँ मुंडेश्वरी देवी का मंदिर, इस घाटी की लोकप्रियता को और भी खूबसूरत बनाते हैं। प्रकृति प्रेमियों के लिए यह जगह स्वर्ग से कम नहीं है। यह स्थान पर्यटकों को उन्हें प्रकृति के करीब होने का एहसास कराता है। कैमूर घाटी की जैव विविधता, तरह तरह के पंछी, अनेकों जंगली जानवर, मूल्यवान आयुर्वेदिक औषधियाँ, रहस्यमय मंदिर, दुर्गम किले, प्राकृतिक जलप्रपात पर्यटकों के सफर को उत्साहित, अनूठा और रोमांचित बनाता है। रोहतासगढ़ के पास बांडा गांव की पूर्व पहाड़ी की गुफाओं में मिले शैलचित्र से स्पष्ट है कि प्राचीन काल से ही मानव सबसे सुरक्षित स्थान पर आवास बनाता रहा है। यह मानव के आखेटक जीवन की झांकी का मनोरम चित्रण है। शैलचित्र पुरापाषाण काल एवं मध्य पाषाण काल के शैलाश्रयों में उत्कीर्ण चित्रों से तत्कालीन मानव की कलात्मक अभिव्यक्ति प्रकट होती है। इस क्षेत्र में बलुआ पत्थर की प्रधानता है, किंतु कहीं कहीं परिवर्तित चट्टानें भी प्रचुर मात्रा में मिलती है। रोहतासगढ़ क्षेत्र के मध्य छोटी किंतु अत्यंत उपजाऊ घाटियां स्थित हैं। पहाड़ों की ढालें अत्यंत खड़ी एवं दुर्गम हैं, परंतु बीच बीच में दर्रे हैं। चुनारगढ़, विजयगढ़ तथा रोहतासगढ़ के किलों के कारण इन श्रेणियों का ऐतिहासिक महत्व बढ़ जाता है। बिहार में रोहतास प्राचीन से ही विकसित संस्कृति का क्षेत्र रहा है। यहाँ बिखरी पड़ी धरोहरें इतिहास के कालखंडों के रहस्यों को अपने गर्भ में छिपाए हैं। इन सब खूबियों से भरा है अपना बिहार। आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं कि आप कैमूर की वादियों में अटखेलियां करने कब पहुंच रहे हैं। अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।